alive and living a life are two different things altogether. To know that you your life has been constructively lived in some way to know, then probably we have lived. Hello everyone, I am Seema Chorya with a brand new episode on Great Principles. The conversation is my generous guest, Dr. Vinay Kumar Jha, Principal Pandit Salagram Junior High School, Great Principles. Welcome to Great Principles, sir. It's truly an honor to have you with us. Thank you. Thank you, Seema. So, sir, how much ka conversation Hindi English thing it? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। जी जी, तो सर शुरुआत करते हैं जहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। तो वंस अपॉन अ टाइम आप चाहते थे कि आप हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्टर के लिए कुछ करें, और आपका ये व्यू था कि एजुकेशन से ही बदलाव लाया जा सकता है। तो आप अब मुझे ये बताइए सर कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको रीडिफाइन कैसे किया जा सकता है ताकि सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोग भी इसका लाभ ले सके। इसको रीडिफाइन करने का सबसे मेन पर्पस ये है हमारा, हम इस तरह से कर सकते हैं उसे कि एनी हाउ एनईपी सबसे जो वीकर सेक्शन है, सबसे जो लास्ट पॉइंट पे जो है, वहां तक यदि हमें पहुंचाना है तो हमें एक्टिव मोड में काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें लोगों तक ये क्या है एनईपी, क्या हमें फैसिलिटेट करेगा, क्या हमें देगा, इसे यदि हमें सबसे लास्ट वाले मार्जिनलाइज्ड ग्रुप तक यदि पहुंचाना है तो उसके लिए अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग का भी प्रोसेस हमें रखना पड़ेगा कि हम बच्चों को, टीचर्स को, जो भी स्टेक होल्डर हैं या जो भी उस ग्रुप में आते हैं, उन सबको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन तक भी हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि किस तरह से वो इससे उसका फायदा उठा सकते हैं बच्चे। जी सर, बिल्कुल सर। और अगर हम सोसाइटी के ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ा चेंज हम देखेंगे। जी बिल्कुल। तो सर हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी तो सर, अभी जैसे कि हम सब बहुत ही किताबी ज्ञान देते हैं स्कूल में, जो है वो एक सिर्फ बुक की इन्फॉर्मेशन है जो हमने बच्चों को दे दी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज होती है। जब आप इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपने क्या सीखा है वो समझ में आता है। तो आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे स्कूल की लर्निंग बहुत ज्यादा पर्पसफुल हो सकती है, हम क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें कि बच्चों को जो हम बुक से पढ़ा रहे हैं वो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतार सके। बिल्कुल, एक्चुअली में यदि हम बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, यदि उसको प्रैक्टिकल वे में यदि हम पढ़ाते हैं, यदि प्रैक्टिकली उसको हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और उससे उसका बेनिफिट मिल सकता है। एज एग्जांपल यदि मैं लूँ तो यदि हमें बच्चों को, सपोज कीजिए कि हमें आज बच्चों को बताना है कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, हम साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन एक टॉपिक आ रहा है, वो थर्ड क्लास का हो सकता है, सेकंड क्लास का हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है। तो यदि हमने उसको न्यूट्रिशन पढ़ाना है तो हम उसी न्यूट्रिशन के थ्रू हम उसको बताएंगे कि बेटा आज सब लोग अपना लंच चौथे पीरियड के बाद होता है, बट आज हम दूसरे पीरियड में ही लंच करेंगे, है ना। अपना अपना सभी अपना अपना बॉक्स, सभी अपना अपना लंच बॉक्स खोलिए और हम बताते हैं कि उसमें आप क्या क्या लेकर के आए और मैं क्या लेकर के आया हूँ, वो देखते हैं। अब क्या होगा, डायरेक्ट बच्चा रियलाइज करेगा कि एक्चुअली what we are doing and what we are eating, it is good for health or not. तो उसका nutritious value उसको मालूम हो जाएगा, फिर chapter पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, chapter में रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको पता चल जाएगा कि रोटी खाने से हमें क्या benefit मिलेगा, रोटी कहाँ से आता है और कितना nutritional value है इसका। सब्जी यदि हम खा रहे हैं तो सब्जी में क्या है, और यदि हम कोई बच्चा मैगी लेकर के आया है तो उसका nutritional value क्या है ने? इस तरह से हम इनकल्केट कर सकते हैं उसके अंदर नॉलेज। जी सर, बहुत ही सुंदर से एग्जांपल आपने दिया है जो बहुत सिंपलीफाइड है कि अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाना है तो आप बच्चों को टिफिन बॉक्स खोलने के बोलिए और बताइए कि आज हर किसी के टिफिन में कितना न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड है। तो इससे बच्चों को ये भी समझ में आता है कि जो हम खा रहे हैं बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग सर।
तो ये एक अच्छा तरीका है, जिस तरीके से हम एक सर ने एक एग्जांपल दिया न्यूट्रिशन का, ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है कि अभी आपने फूड खाया है अब उसको इतना टाइम लगेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे हम प्रैक्टिकली उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जी। यही हमारा मेन इसके पीछे रोल है कि और बच्चे का लॉजिक समझना चाहिए कि वो पढ़ रहा है तो वो क्यों पढ़ रहा है, सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ रहा है, जी, हर चीज और जुड़ी हुई है लाइफ से। सेम टाइम पे जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको बता रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे हम उनको प्लस माइनस भी सिखा सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं। भाई आपके पास एक रोटी है और उसको देखो फोल्ड कैसे किया हुआ है, यदि हाफ टाइम फोल्ड किया हुआ तो ये 1/2 हो गया, यदि फोर टाइम फोल्ड किया हुआ तो ये 1/4 हो गया। आप फ्रैक्शन भी उसको सिखा सकते हैं, आप उसको एडिशन भी सिखा सकते हैं उसी टाइम पे। सेम टाइम पे आप ज्योग्राफी की बात भी बता सकते हैं उसको कि ये जो आपने, चलो आपने रोटी लिया तो रोटी कहाँ से आया है ना, किस सीजन में पैदा होता है, तो आप उसको सेम टाइम पे वो भी सिखा सकते हैं, ज्योग्राफी की भी बात सिखा सकते हैं। सेम टाइम पे आप हिस्ट्री की बात करें तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि रोटी आविष्कार कैसे हुआ था, रोटी सबसे पहले कैसे आया है ना। बिल्कुल तो सर, ऐसा नहीं है कि हम एक मतलब पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही नॉलेज दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उस चीज से रिलेटेड जितना नॉलेज आप बच्चों को दे सकते हैं, उसमें क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा, जो बच्चा आज एबसेंट था कल वो दोबारा आएगा और दोबारा आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई जो कल सर आपने बताया था एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए। अब क्या हो गया कि जहां पे अटेंडेंस आपका 60-70-80% था, वो 100% अटेंडेंस हो जाएगा और वो रेगुलर हो जाएगा है ना। और टीचर्स को ये चाहिए, एनईपी हमें यही ट्रेन करता है, एनईपी की ट्रेनिंग भी हमें यही सिखाती है कि एनी हाउ बच्चों के अंदर आप कैसे ये क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे कि कल क्या होने वाला है। यदि आप उसको ये डाल दिए आज के क्लास के एंड में, यदि आपने ये बता दिया कि कल क्या होने वाला है और क्यूरियस चीज है, तो 100% बच्चा है कि जो आज नहीं भी आया था वो भी आपके पास पहुंचेगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि इट इज नॉट ओनली अबाउट यू नो जस्ट इनकलकेटिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन योर टीचिंग, यू कैन मेक टीचिंग लर्निंग फन एंड रिलेटिंग सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू वन सिंगल टॉपिक आल्सो। सो वंडरफुल एग्जाम्पल, ग्रेट थॉट शेयर बाय सर हियर। मूविंग अहेड इन अ कॉन्वर्सेशन सर, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स पार करके आज आप जिस पोजिशन पे है वहां पहुंचे हैं, तो क्या ऐसा ऐसा कोई कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे जो आपको आपके करियर में रहने के लिए, मतलब यू फील हैप्पी अबाउट इट, आपको खुशी होती है कि आप एक एजुकेटर बने? हमारे लाइफ में, मैं अपनी लाइफ की बात यदि बताऊं तो स्टार्टिंग से हर्डल वाला ही रहा है। जब हम छोटे थे, फादर ने कभी भी स्कूल जाके नहीं देखा था कि भाई स्कूल में क्या कर रहा है नहीं कर रहा। फिफ्थ तक तो हम लोग आफ्टर करते रहे हमारी मम्मी, बट उसके बाद जब 6th क्लास में मिडिल स्कूल में गए, हाई स्कूल में गए, तो उसके बाद कोई देखने वाला नहीं था। और हमारे साथ कंडीशन ये था कि आपको पढ़ना तो है लेकिन आपको जहाँ पर सब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए आपको वहाँ नहीं पढ़ना है, आपको दूसरे स्कूल में जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे सोचना है आपको। और फिर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, आपको कैसे जाना पता नहीं, कैसे जाओगे आप, लेकिन आपको वहां जाकर के पढ़ना, यदि आपको पढ़ाई करनी है तो आगे वहां जाकर के पढ़ाई करनी है, अदरवाइज आप पढ़ाई छोड़ दो। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, नहीं भाई मैं वहीं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, घर से 5 किलोमीटर दूर रोज जाना रोज आना, आप समझ सकते हैं कितना टफ टास्क है उस टाइम पे है ना। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं, बरसात का सीजन है कैसे जाएंगे, नहीं जा पाते हैं, रास्ता बहुत अच्छा नहीं था उस टाइम पे, तो हमने एक तरकीब निकाली कि हमारा जो हॉस्टल था हाई स्कूल वाला, वो हॉस्टल था, उसमें स्कूल में हॉस्टल था, तो हमने सर से सिफारिश की कि सर आप मुझे हॉस्टल में रख लीजिए बट मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, क्योंकि फादर साहब मना कर देंगे कि भाई हॉस्टल का खर्चा मैं कहाँ से लेकर के आऊंगा, तो उस टाइम उतना पैसा था नहीं सबके पास। तो हमने एक तरकीब निकाली कि सर मैं यहाँ पर आकर के आपके बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ पे, 5th क्लास का, 6th क्लास का, 7th क्लास का, इवन 8th में मैं पढ़ रहा हूँ, 8th क्लास का ही बच्चा कोई यदि होगा तो मैं उसको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, और जो भी वहां से आप मुझे देना चाहेंगे वो मुझे मत दीजिएगा, मेरे हॉस्टल खर्चे में उसको लगा लीजिएगा, जिससे कि हमारी आगे की पढ़ाई होती रहे। आप सोच सकते हैं कि हमारी एक बड़ी सिस्टर थी, 2 साल बड़ी है मेरे से, और उनकी किताबें हम संभाल संभाल कर रखते थे कि अगले साल मुझे ये काम आएगा। गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स बदलती नहीं है, तो उसको संभाल कर रखते थे कि भाई इसको, और दीदी से बताते थे कि दीदी आप उस किताब को फाड़ना मत, एक भी पेज किसी तरह से खत्म नहीं हो, खराब नहीं होना चाहिए इसमें से।
कहीं पे पेन से टिक मत करना, आपको कुछ करना हो तो आप पेंसिल से कर लो, ताकि मैं उसको रब करके आगे मैं अपना पढ़ सकूंगा। तो इस तरह से हम केयर करते थे उस टाइम पे। और बाय द एंड इंटर करने के बाद मैं इधर एनसीआर की तरफ आ गया, मथुरा आ गया। मैं ग्रेजुएशन किया बीएससी की, बीएससी कॉलेज मथुरा से, आगरा यूनिवर्सिटी में है। और वहीं से हमने एमएससी किया मैथमेटिक्स में, फिर हमने वहीं से पीएचडी किया। अभी हमारा 2021 में हमारा पीएचडी अवार्ड हुआ है। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी थी एकेडमिक के बाद। उसके बाद 2002 में हम यहाँ पर आ गए, ग्रेटर नोएडा की तरफ आ गए। वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था, स्टार्ट किया हमने उसको 2002 में 23 जून। और हमें वो दिन बिल्कुल याद है, एकदम आंखों के सामने ऐसी बिल्कुल सीन आ रही है कि उस टाइम पे जब हमने स्कूल का उद्घाटन किया था एक छोटा सा हवन करके, तो उस टाइम पे 54 स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास टेस्ट के लिए कि भाई हमें एडमिशन लेना है। बट हमने क्राइटेरिया सेट किया था कि बेटा आपको एडमिशन इस तरह से इस कंडीशन पे मिलेगा, तो उस कंडीशन को यदि आप फुलफिल करते हैं, छोटा सा टेस्टिंग हमने लिया था कि भाई इस टेस्ट को आप यदि क्वालिफाई करेंगे तब आपका हमारे यहाँ पे एडमिशन होगा। हमारा मेन फोकस था कि कोई ऐसा बच्चा जो जिनके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है उनके गार्जियन के पास, लेकिन टैलेंट यदि है तो उसको हम फ्री में एजुकेशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास टैलेंट नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम नहीं रखेंगे उसमें। तो इस तरह से हमारा अपने क्राइटेरिया हमने सेट किया। आपको ताजुब होगा 54 में से 4 बच्चे एडमिट हुए थे पहले दिन, 50 बच्चे वापस चले गए थे। और वेरी फर्स्ट ईयर 253 एनरोलमेंट हुआ था हमारे पास। पहले साल में 253 एनरोलमेंट हमारा, जुलाई से उस टाइम पे सेशन चला करता था, जुलाई टू मई, और जून में पूरी छुट्टी हुआ करती थी। तो जुलाई में हमने 253 एडमिशन किया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग एज में। और उसके बाद कारवा चलता चला गया। फिर हमने 10th का अफिलियेशन लिया यूपी बोर्ड से, फिर उसके बाद हमने 12th का अफिलियेशन लिया, फिर हमने सीबीएसई से अफिलियेशन लिया। और आज के डेट में लगभग 1400 से प्लस बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, और काफी अच्छा चल रहा है। लगभग लगभग 70 का स्टाफ है हमारा। तो बस ये है कि आप, आपके अंदर यदि जज्बा है, आपने यदि सोच लिया है कि अच्छा करना है, तो अब फिर रोकने वाला आपको कोई नहीं होता। क्योंकि तो किसी भी काम को यदि हम कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी काम को करने से रोकने वाला भी मैं खुद ही होता हूँ, कोई दूसरा नहीं होता रोकने वाला। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो रोकने वाला भी और अपने आप को बढ़ाने वाला भी, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए कि मुझे ये करना है ना। आपके अंदर विल पावर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। मुझे पता है, मुझे याद है कि मैं 92 में जब 12th क्लास में था, तो मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया था। और चूंकि पैसा नहीं था, फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बना था, और हमने वहां पर सीएस में एडमिशन जाकर के लिया था। बट चूंकि 45,000 वहाँ की फीस थी, और वो मेरे फादर एफर्ड नहीं कर सकते थे, मैंने वहां पे जाकर के वही कहानी उनको बताई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये तो आपको जमा ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। फिर हम वहां से वापस आ गए। आप सोच सकते हैं कहाँ बिहार, कहाँ नेपाल बॉर्डर और कहाँ हैदराबाद, मैं कैसे गया था मुझे खूब याद है, बट उस चीज को मैं बता नहीं सकता कि कैसे मैं पहुंचा था वहां पे। और उसके बाद वापस आया, मायूस नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने IFS क्वालिफाई किया था बीएससी के बाद, बट वहां पर भी कुछ ऐसे इंटरव्यू में हमारा रह गया था। चीजें तो हमने बहुत सारी की, बट अल्टीमेटली गोल यही था हमारा कि भाई हमें सीखना है। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं आज के डेट में, टीचिंग एक जो प्रोफेशन आया है, प्रोफेशन है ये प्रोफेशन, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि 60-70% लोग बाई चांस आते हैं टीचिंग में, बाई चॉइस नहीं आते। बट मेरा बाई चॉइस था कि मैं 100% यही सीख रहा था कि मुझे कुछ भी करना है, बट मतलब टीचिंग से जुड़ा रहना है, शिक्षा और शिक्षा को फैलाने में जितना भी हमारा हम अपने आप को खपा सकते हैं। क्योंकि तो जो कुछ भी आज के समय में हमारे पास, वो सब उसी की देन है। यदि वो मैं नहीं सीख पाता तो मैं आज यहाँ पर इस लायक नहीं होता जो यहाँ पर बैठ करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। तो बिल्कुल मेरा सर। और एक ही ये आपने था कि हमें करना है। बहुत सारे लोग आते हैं भाई, हमने क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा हो गया है आज के समय में, और जॉब की कमी ही इतनी हो गई है, तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं आता, चलो भाई कहीं टीचिंग तो कर ही लेंगे, किसी स्कूल में जॉब तो मिल ही जाएगा। बीटेक करके, एमटेक करके, आप मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है, आपका स्कूल में क्या काम, आप कुछ अच्छा करो, इनोवेटिव वे बनाओ। तो
और टीचिंग में भी आप इनोवेटिव यदि नहीं है, आपके पास नया रोज रोज एक नया आइडिया चाहिए आपको क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आपको बच्चों से काम कराना है, बच्चों को अपनी बात समझानी है, तो आपके पास रोज एक नया आइडिया चाहिए। आप यदि पुरानी बातों को लेकर के चलते जा रहे हैं कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि तो इन्फॉर्मेशन तो गूगल बाबा बैठे हैं, उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आप मिल जाती है वहां पे। नर्सरी क्लास का बच्चा हो चाहे पीएचडी कर रहा हो, सबके पास इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, बट इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इम्पैक्टिव इन्फॉर्मेशन यदि देना है तो रोज आपको नया चीज ढूंढना पड़ेगा। सर, तो तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसको पता नहीं था वो कब पढ़ाई करेगा, मालूम नहीं 5th के बाद क्या होने वाला है, स्कूल का प्रिंसिपल है और स्कूल में इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, एंड आपने टीचिंग बहुत टीचिंग बहुत छोटे से शुरू कर दी, अपने बच्चों को आप ट्यूशंस देते थे, तो आपकी जर्नी अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है कि जैसे कि आपने कहा अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो लिया कोई है, भी तो कोई भी कोई सकता है, सिर्फ 100% देने की जरूरत है। सो सर, यू नो योर जर्नी इज रियली एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल आउट देयर, एंड यस यू हैव सीन सम टफ एंड हार्श हर्ष टाइम्स, बट यू हैव यू नो जी जस्ट गॉन ओवर इट ऑल एंड ऑल ऑल एट द हार्ड पार्ट्स एज सो सर योर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप टेकिंग एजुकेशन अप एंड एजुकेशन एंड इंश्योरिंग इंश्योरिंग दैट देयर आर दैट नॉट देयर मेनी नॉट मेनी अदर पर्सन लाइक यू हु आर जस्ट यू नो प्लीडिंग दैट आई मे गेट एजुकेशन सम, एंड एवरीवन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग विल्ड एज एज यू स्ट्रॉन्ग आर। एज यू आर। आपने कोशिश की, हर कोई कोशिश ये की नहीं कर सकता, नहीं कर इतनी सकता, मेहनत इतनी करके मेहनत पढ़ाई करके करूं, हर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। सो आज आप इतना बच्चों को, इतना इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। सो अब हम हमारी अब हम हमारी कॉन्वर्सेशन आगे, कॉन्वर्सेशन आगे। जैसे कि सर जैसे लाइफ कि में सर जो लाइफ आपके बहुत सारे हर्डल्स आए हैं, वैसे ही एज अ स्कूल लीडर भी बहुत सारे हर्डल आए होंगे, तो आपसे ये जानना चाहेंगे जब आपको एडवाइस चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप किसकी बात सुनते हैं, या आप वो कौन से एजुकेशनिस्ट है आप जिसके पास जाते हैं? मेरे आइकॉन हैं जो मुझे हाई स्कूल में जब मैं था 8th क्लास में जब एडमिट हुआ था, 8, 9, 10th में वहाँ पर पढ़ा था, मेरे आइकॉन वही हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, MLY मनोज लाल यादव थे एक सर जो हमें बायो और केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, और एक टीचर थे हमें जो मैथ्स पढ़ाया करते थे, आरपी सिंह, रामप्रीत सिंह उनका पूरा नाम था। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर मुझे खनक दिख रही है, तुम अच्छे करोगे, तो इसलिए जितना भी सपोर्ट होगा तुम ये मत सोचो कि मेरे पास नहीं है। उनके पास सैंपल पेपर आया करता था, गेस्ट पेपर आया करता था, वो दे देते दे थे, कोई बात नहीं तुम्हारे पास बुक्स नहीं है ना, मैं लाइब्रेरी से अपने नाम पे इशू करा करके तुम्हें दे दे रहा हूँ, तुम पढ़ के मुझे वापस कर देना। तो इस तरह से ये हमारे आइकॉन है, आज तक भी उनकी हेल्प को मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकता, कितना उन्होंने स्टार्टिंग एज में मुझे हेल्प किया। और फिर वहीं से मैंने सीखा है, वो हमेशा यही एक ही बात बताते थे कि बेटा दुनिया में कभी भी किसी का भी आप हेल्प कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट यदि किसी का भला हो जाएगा तो आप नहीं भी हो तो आपका नाम लेने वाला हो जाएगा। इसलिए हमने तभी से ये सीखा है कि बेटा कुछ भी नहीं हो जाए, अपने पास खाने के लिए हो या नहीं हो, बट कोई यदि भूखा आपके पास से गुजर जाए तो भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर जो भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, जैसा भी मदद कर सकते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से आप उसको कीजिए, क्योंकि तो आपके लिए कोई नहीं है, आपके बैकअप में तो बहुत सारे हैं, आपको देखने वाला ऊपर वाला है। आप इंसान कोई किसी का मदद नहीं करता है ना, इंसान कभी किसी का मदद नहीं करता, वो तो ऊपर वाला करवाता है, तभी जाकर के मिल पाते हैं, तभी हम मदद लायक बन पाते हैं। उन्होंने हमें मदद लायक बनाया, तभी तो हमारे पास कोई आया मदद लेने के लिए, बिल्कुल सर, यही और चीजें अगर हमने सीखी है उनसे। यही बात अगर हम हमारे बच्चों को सिखा दें तो बच्चों सोचिए को दुनिया सिखा कितनी दें तो खूबसूरत सोचिए हो दुनिया जाए, कितनी खूबसूरत। क्योंकि गिविंग बैक, वापस देने की टेंडेंसी, हम हमारे पास जो कुछ भी है भगवान की दया से या फिर भगवान की कृपा से, वो हम क्या सोसाइटी को वापस दे सोसाइटी सकते हैं? हर किसी के पास नहीं होता। गिविंग बैक एक बहुत बड़ा फीलिंग है जो हमें बच्चों को सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगेन अ वेरी गुड टेक अवे फ्रॉम सर्स आंसर। सर्स ऑल द आंसर्स आर फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड लॉट ऑफ टेक अवेज फॉर ऑल द एजुकेटर्स आउट देयर। अब हम हमारे बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे पहुंचते हैं सर, रैपिड फायर राउंड पे। यहाँ पे आपको वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में ही आंसर देना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, ओके तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रैपिड फायर राउंड, और रैपिड फायर मेरा राउंड। पहला क्वेश्चन, आपकी हॉबीज क्या हैं?
मेरी सबसे बड़ी हॉबी है कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। ओके सो कोई मेरा फ्रेंड या मेरा कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी हो, इवन जो हमारे दोस्त नहीं भी हैं और दोस्त बनते हैं एक दिन में भी, उसके बावजूद भी जो 12 बजे रात में ही मुझे कॉल करते हैं अपनी नीड के लिए, तो मैं 12 बजे रात में ही तैयार रहता हूँ। बस मेरी एक टू ही हेल्प हॉबी है कि मैं अस किसी को ऑलवेज, दुखी नहीं देख सकता। तो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी है आप। जी, आप ऑलराइट सोचिए, लोग लोग ब्लड डोनेशन करते हैं 6 महीने बाद, बट मेरा ब्लड डोनेशन हर 3rd मंथ में, हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेशन करता हूँ मैं। और वाओ मेरे हिसाब से सिंस 98 से कंटिन्यू चल रहा है। दिस इज इस समय मैं इनक्रेडिबल ब्लड सर। डोनेशन का कोई जानता भी नहीं था 98 में, उस टाइम से मैं ब्लड डोनेशन कर रहा सर हैट्स ऑफ टू यू, आप मतलब जो इतना देने की भावना आप रखते हैं ये सब में नहीं होती है, बिल्कुल आजकल की जनरेशन में तो ये बिल्कुल देखने को हूँ। नहीं बिल्कुल होती है। सो ग्रेट, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी हॉबी है आपकी म्यूजिक हॉबी है सुनना, म्यूजिक तो आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? में कोई उसका वो नहीं है, जिसकी धुन मुझे अच्छी लग जाती है भाई, जिस धुन में सेंस आ जाता है। बहुत सारे गाने हैं, ओल्ड म्यूजिक आप कह सकते हैं उसको, बट ओल्ड फॉर्मेटेड म्यूजिक भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी फिल्में आई है, उसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपके दिल को छू जाती है, तो ऐसे ठीक गाने मुझे अच्छा लगता है गाने, है ना। और ओके मेरा एक प्यारा भजन है, मुझे एक साइंस टीचर ने सिखाया था, वो यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये वाला बहुत दिन से मैं 6th क्लास से गाता आ रहा हूँ। अच्छा ऑल राइट ग्रेट। सो सर को ऐसे सॉन्ग्स पसंद है जिनमें कुछ मीनिंग हो, जो मीनिंगफुल हो, जो आपको अच्छे लगे, एंड समवेयर जो आपके ऊपर समवेयर जो इम्पैक्ट आपके करे। ऊपर इम्पैक्ट कर हम हमारे अगले हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप लगातार करते हैं लगातार और करते हैं। जिसका एजुकेशन से कोई एजुकेशन लेना से देना देना? एजुकेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी है हमारे अंदर। मेरा एक हॉबी है कि मैं न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता हूँ, और न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब आप मेरे ओके बारे वाह में, मेरी फिजिक को आप देख लीजिए, मुझे 35 साल हो गए दूध पिए हुए, आप इमेजिन करिए, 35 ईयर्स हो गया मुझे दूध पिए हुए। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो क्या सर दूध हेल्दी नहीं है? एक्चुअली में लैक्टोज का कुछ प्रॉब्लम है तो दिक्कत होती है। अच्छा ओके 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 अदरवाइज मुझे लगा मतलब आप जैसे आप बोले आप न्यूट्रिशन के बारे में बहुत बताते हैं, तो मुझे लगा क्या दूध हेल्दी नहीं है, क्या इस वजह से आपने 35 सालों से नहीं लिया है? जी नहीं, एक्चुअली में क्या है कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जैसे हम बैठे हैं चेयर पे तो 4 पिलर हैं, तो उसी तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी 4 पिलर हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस फूड, और आपका सोशल और इमोशनल स्किल कैसा है। यदि ये सारा बिल्कुल बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी रह सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक गड़बड़ है तो आप हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हेल्दी रहने का, और इसी पे हम काम करें। वेरी गुड सर, अगेन अ ग्रेट एडवाइस कैसे एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ हम जी सकते हैं अगर हम ये चारों चीजें फॉलो करते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके तीन फेवरेट चीजें क्या हैं बचपन से लेके आज तक में? बचपन से लेकर के आज तक मेरा सबसे अच्छा फेवरेट है, ये मेरे जेब में एक ग्रीन पेन रखा हुआ, ये मैं जब देखता था अपने प्रिंसिपल्स को कि इससे साइन कर देते, तो मैं इसको संभाल कर रखता था। उनकी पेन मैं जब वो रिफिल फेंक देते थे ना, तो उस वाले रिफिल को भी उठा करके ले आता था, और उसमें कोशिश अच्छा करता था कि जो इंक पेन होता है ना, उसका इंक डालने का, तो भाई इस रिफिल में डलता नहीं है, बट कोशिश करता था। 3rd क्लास की बात है, 3rd क्लास में मेरी हॉबी थी कि जो सर ग्रीन पेन से लिखते हैं ना, प्रिंसिपल सर जो ग्रीन पेन से लिखते हैं, उस पेन से मुझे लिखना है, वो पेन मुझे चाहिए, और फॉर्चुनेट हूं मैं कि मेरे पास ये आज है। एक चीज तो ये है कांग्रेचुलेशंस। मेरी। दूसरी चीज है कि जो मेरी पुरानी किताबें हैं, आप इमेजिन करिए, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था 2nd क्लास में कैसे की बुक, है ना, और वो आज तक भी मैंने संभाल करके रखा हुआ, मेरे बच्चे भी उस किताब को पढ़ रहे हैं। तो आप ने 81 की बात है, 81 की बुक मेरे पास आज भी है, तो ये मैं संभाल के रखता हूँ। और भी एक दो यादें होती हैं जो उसको संभाल के रखा रखा है मैंने।
वो तीसरी चीज कौन सी है सर? और तीसरी चीज अपने आप को पहचानना कि मैं क्या हूं और क्यों इस दुनिया में, यदि मैं आया हूं तो क्यों, किसी न किसी कारण से आया। वो जरूरी नहीं है, फैमिली का भरण पोषण तो सभी करते हैं, फैमिली का सपोर्ट तो सभी करते हैं, बट आप किसी दूसरे का कितना आप हेल्प कर सकते हैं, कितना सपोर्ट कर सकते हैं, वो मेरी तीसरी चीज है। इसको मैं अपने मन से कभी नहीं भुलाता, क्योंकि तो मेरा जिस तरह से सपोर्ट किया किसी ने, भगवान ने किसी को मेरे सपोर्ट के लिए भी भेजा है, तो मुझे भी किसी ने सब किसी के सपोर्ट के निमित्त बनाया हुआ है, मुझे उसे ढूंढना है, किसका सपोर्ट मुझे करना है, ये मेरी सच्ची मोड़ पर है। बिल्कुल सर, और अभी तक के आंसर्स के बाद मुझे गारंटी है कि अब मेरे व्यूअर्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको जब इंट्रोड्यूस किया तो मैंने ये क्यों बोला प्लीज वेलकम जेनरस गेस्ट ऑफ टुडे, क्योंकि सर के हर एक आंसर में उनकी जेनरोसिटी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है. तो दिस इज दैट इज व्हाई आई कॉल हिम माय जेनरस गेस्ट ऑफ टुडे. सो नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो. दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड द व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चंस. तो सर हमारे व्यूअर्स हमें बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक किया है. हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि इतने सारे बोर्ड्स हैं, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, स्टेट स्पेसिफिक स्कूल्स, और पेरेंट्स के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से बोर्ड में अपने बच्चों को डाले, या फिर कौन से ब्रांड के साथ. अभी स्कूल्स एक ब्रांड बन गया, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है ये पेरेंट्स के लिए एक मतलब प्रेस्टीज की बात है. सो क्या आप पेरेंट्स को एक क्या चेकिंग करना चाहेंगे जो ये इंश्योर करे देखिए, कि उनका बच्चा एक ऑलराउंड डेवलपमेंट वाले स्कूल एडमिशन ले रहा है? पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें जो होलिस्टिक ग्रोथ के लिए जाता जाना जाता है। होलिस्टिक ग्रोथ इन द सेंस फिजिकली, मेंटली, एथेस्टिकली, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन उसके पास शेयर किए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन शेयर करने का मीडियम क्या है, उनके पास रिसोर्स क्या है, उनके पास किस टाइप का मैसेज वो बच्चों को देते हैं, ये सबसे बड़ा जरूरी है। आज के डेट में एक ट्रेंड चला हुआ है कि मेरा 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 बेटा, मेरा बेटी, मेरी बेटी, बेटा हुआ तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी। बट इससे अलग, अपार्ट फ्रॉम दैट, भाई लाइफ में केवल दो ही प्रोफेशन तो नहीं है, और आपको स्कूल ऐसा ढूंढना है जिसमें आपके बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ नए एक्टिविटीज, जहां पर लर्निंग बाय डूइंग होता, जहां पर आप ऐसे माहौल में जाएं जहां पर बच्चे कर करके सीख रहे हैं, अपने आप से, अपने पियर्स से, अपने पास वाले बच्चों से, अपने दूसरे वाले सेक्शंस बच्चों से, अपने पास पड़ोस के बच्चों से, अपने घर के पास। तो यदि ऐसा कुछ है, यदि ऐसा कुछ किसी स्कूल में है, तो मैं समझता हूं कि वो सबसे बेस्ट स्कूल है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वहां पर यदि आपको मॉरलिटी यदि सिखाई जाती है किसी भी स्कूल में, मॉरल वैल्यू यदि है, क्योंकि तो आज के डेट में आप देखें किसी भी स्कूल के सिलेबस में मॉरल वैल्यू है ही नहीं, है ना। मंडे टू सैटरडे पूरा टाइम आपको 6 पीरियड हो या 1 पीरियड हो, जितने भी टाइम का पीरियड लग रहा हो, उस पूरे पीरियड में मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, बट एक्चुअली में जो पढ़ना है वो नहीं, मैथ, साइंस, एसएसटी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है, वो बाद में भी सीखा जा सकता है, बाद में भी उसको सीख लेते हैं बच्चे, वो कहीं और से सीखा जा सकता है, बट जो मॉरल वैल्यू है, जो हमें बच्चों को सिखाना है, इमोशनल स्किल कैसे सिखाना है। आप सोचिए ना, बच्चा, छोटा सा बच्चा, 3rd क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा, जब कोई बात उसको कहते हैं, जब कोई उसको डांटता है, तो कहता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, आपने मुझे चाचा के सामने क्यों डांट दिया, मेरे चाची के सामने आपने क्यों डांट दिया, मेरी भाभी के सामने आपने क्यों डांट। 3rd क्लास का बच्चा, 2nd क्लास का बच्चा इतना इमोशनल है, तो उसके इमोशनल स्किल को कैसे मैनेज किया जा रहा है, वो ज्यादा जरूरत है, उसकी ज्यादा जरूरत है। और जहां पर ऐसा माहौल मिल रहा है, जहां पे बच्चों का इमोशनल स्किल भी डेवलप हो रहा है, वो स्कूल बेस्ट है। ये नहीं कि बहुत सारा पैसा लग रहा है, स्टेटस सिंबल हो गया कि मेरे बच्चे की 10,000 फीस जा रही है साल की, मेरे बच्चे की 50,000 जा रही है साल की या महीने की, तो उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, मनी मैटर से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू आप सोचिए ना, आज के डेट में अभी 3-4 साल का मैं देख रहा हूँ डेटा, उस डेटा में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, डाइवर्सेस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। बट उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो इमोशनल स्किल पे काम नहीं किया उन्होंने, इमोशनली अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं किया,
जिसके कारण से बात बिगड़ जाती है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो हमें ये ढूंढना है, अल्टीमेटली हमें ये ढूंढना है, ऐसा स्कूल ढूंढना है जहां पर इमोशन के ऊपर काम किया जाता है, जहां पर वैल्यूज सिखाई जाती है। और यदि वैल्यूज नहीं है, आपके पास नॉलेज कितना भी हो, क्या फर्क पड़ना उसका, है ना। और गिविंग, और तीसरी बात होती है स्कूल का सबसे अच्छा, कि कौन सा स्कूल, कौन सा ऐसा पाठशाला जहां पर आपको ये सिखाया जाता है कि आप क्या दे सकते हैं। लेने के लिए तो सबके हाथ पर है आगे, बट आप क्या दे सकते हैं। यदि ये बच्चे ने सीख लिया ना, फिर उसको पूरे लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा, अपने आप सारा कुछ अपने आप सिस्टमेटिक होता चला जाएगा उसका, उसको फिर कहीं से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Absolutely, sir. So, along with academics, the school which works on the emotional and mental well-being of the child is the right Child is the school. right. So, to all my dear parents out there, your biggest query is answered today. आपको उस स्कूल पे फोकस करना है जो आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचे, उन्हें इमोशनली स्टेबल ह्यूमन बनाए, एंड यस उनको एक आर्ट सिखाए जो कि है गिविंग बैक की. तो गिविंग बैक जो है हमें रोल मॉडल खुद बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा सामने सामने ये करना पड़ेगा, साथियों को दिखाना पड़ेगा कि कितना जरूरी है आपको देने का नेचर रखना, हर किसी के पास नहीं है. सो विनय सर, थैंक यू सो मच. आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता है, दोनों हाथ से देना सीखा. सो ऑन दिस वंडरफुल नोट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड देन यू गेट एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज सेटिस्फेक्शन, वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सर. थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच जर्नी. Thank you. Thank you. It's my pleasure. It's my pleasure.